नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चंचल के पिटारा में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रोकली की सब्जी। ब्रोकली एक ऐसा चीज़ है जिसे आप कच्चा भी खाएं, सलाद के रूप में खाएं या सब्जी बनाएं, जैसे भी खाएं, ये बहुत ही फायदा करता है। तो मैं आज आपके बीच में ब्रोकली की सब्जी ग्रेवी वाला लेकर आई, वो भी ज़्यादा ग्रेवी नहीं। तो चलिए शुरू करते बनाते हैं। तो ब्रोकली को देखिए मैं छोटे पीस में कर ली हूँ, हमारा छोटा छोटा पीस हो गया। इसको अच्छे से मैं धो ली हूँ। ये ब्रोकली जितना फायदा है उसको वैसा ही मैं फ़ायदा इसके रखना चाहती हूँ। मैं कोई भी इसमें बनावट या कोई ज़्यादा ऑयली इसको नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही हेल्दी होता है। इसका सलाद खाएं या इसका सब्जी बनाएं। या और इसके साथ देखिए ये मटर है, एक कटोरी मैं ली हूँ। दो आलू है जिसे मैं इसको भी छोटे छोटे पीस में मैं कर ली हूँ। तो प्याज हो गया, ये हमारा वो देखिए लाल टमाटर है, इसको मैं बारीक बारीक काट ली हूँ। ये हमारा लहसुन और एक इंच अदरक है, 10-15 काली मिर्च है, इसको मैं कूट ली हूँ। ये हमारा 2 चम्मच बेसन है। तो सब्जी बनाने के सबसे पहले देखिए हम ये ब्रोकली को मैं एक बर्तन में डाल लेती हूँ। दोस्तों इसको मैं ज़्यादा फ्राई वाला नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि इसको बिल्कुल शुद्ध देसी अंदाज में बनाऊँ, जो कि स्वाद सेहत दोनों से भरपूर हो। और इसमें मैं मटर डाल दी। अब इसमें मैं ये नमक डालती हूँ। देखिए पानी डालकर बिल्कुल 5 मिनट के लिए हम इसे बॉईल कर लेते हैं, ताकि इसका जो भी गुड़ है ये ऑयल के साथ ये बेकार ना जाए, बिल्कुल ये हेल्दी और टेस्टी बने, इसलिए मैं इसे बॉईल कर रही हूँ। अब देखिए ये हमारा रहा बेसन। तो बेसन को मैं देखिए मैं तवा गरम कर रही हूँ, या आप कढ़ाई या पैन कुछ भी आप गरम कर लिए बर्तन, उसको मैं भून लेती हूँ। बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो हम गैस को बंद कर देखिए। 2 मिनट हो गया है हमारा, ये जो बेसन है अच्छे से भुन गया है। अब गैस हम बंद करेंगे नहीं बल्कि अलग हटा देते हैं। देखिए अब इसी गैस पर हम कढ़ाई रखते हैं। वो देखिए हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है। इसमें ऑयल डालते हैं 2 चम्मच। अगर आपकी इच्छा ज़्यादा डालने की है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। मैं इसमें मस्टर्ड डालती हूँ। अगर आप रिफाइंड डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं इसमें। तो अब इसमें हम जीरा डालते हैं। देखिए तो देख रहे हैं हमारा जीरा थोड़ा तड़क गया है। अब हम इसमें साबुत धनिया डालते हैं, ये साबना लाल मिर्च डालती हूँ मैं। हम तेज़पत्ता डाल, आँच को कम ही रखेंगे। अब इसमें अपना कटा हुआ प्याज डालते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम चला लेंगे। और इसमें हम थोड़ी नमक डालते हैं, क्योंकि हमने ब्रोकली और मटर को बॉयल करते हुए उसमें थोड़ा नमक डाला था, फिर भी उसमें बराबर नहीं होगा, लेकिन फिर हम इसमें थोड़ा डालते हैं और सबको अच्छे से भून लेते हैं। जब प्याज हमारा सुनहला हो जाएगा, भूनने के लिए अब हम मीडियम आंच कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं प्याज थोड़ा भून गया है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का कूटा हुआ डाल देते हैं और 2 मिनट तक इसे भी हम भून लेंगे। आंच हमारा मीडियम ही रहेगा। हमारा 2 मिनट हो गया, हमारा लहसुन भी भून गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें अपना कटे हुए बारीक टमाटर डालते हैं, इसको भी हम अच्छे से पका लेते हैं, गला लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो आप देख रहे हैं हमारा ब्रोकली अब बॉयल हो गया, इसे मैं छान देती हूँ। इधर हमारा टमाटर भी अच्छे से गल गया है थोड़ा, देख रहे हैं ना, ये कितना बढ़िया लग रहा है देखने में ना। टमाटर पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों, हम क्या बताएं आपको। अब हम इसी में अपना कटा हुआ आलू डालते हैं। आँच को हम मीडियम ही रखेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए भून कर अब इसे हम ढक देते हैं। आँच को हम स्लो कर देंगे। तो देखिए मैं ढक्कन हटा दी हूँ। ये हमारा सब्जियाँ जो है तेल छोड़ रही है, देख रहे हैं ना ये साइड साइड में। अब इसे हम चलाएंगे, ये कितना बढ़िया लग रहा है ना। अब इसमें मसाला डालते हैं। देखिए मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर ली हूँ, और ये 1 चम्मच ये, और 1/2 चम्मच ये, यानी कि 1.5 चम्मच मैं धनिया पाउडर ली हूँ। ये 1/2 चम्मच जीरा पाउडर हो गया। मिलाते हुए भूनते हुए चलाते जाएंगे। आँच को हम मीडियम ही रखेंगे। अब इन मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे। तो देख रहे हैं हमारे मसाले भी भून गए हैं, पकड़ रहा है हमारा। अब इसमें हम जो ब्रोकली और मटर को बॉयल किए थे इसे डालते हैं, और ये हमारा जो पानी बचा है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम सब्जी में ही डालेंगे। क्योंकि ये ब्रोकली का पानी है, ये भी फायदे से हमारा भरा है, इसे हम फेंकेंगे नहीं।
लास्ट में हम इसे डालते हैं। तो देखिए सब्जियों में अब ब्रोकली को डालती हूँ। अब इसको अच्छे से मीडियम आंच पर भूनेंगे। दोस्तों ब्रोकली की सब्जी, आप ब्रोकली जो है बहुत ही फायदे वाला है, आप इसे किसी भी रूप में खा सकते हैं। आप इसकी सब्जी बनाइए या सलाद के रूप में खाइए या बॉयल करके भी इसे नमक डालकर खा सकते हैं। तो मैं इसका एक सूखी सब्जी भी बनाई थी ब्रोकली का, अगर चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ये मैं ग्रेवी वाला बना रही हूँ, ज़्यादा भी ग्रेवी नहीं डाल रही उसमें, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी, और ये तो हमारा ब्रोकली ऐसे ही स्वाद और सेहत से भरपूर होता है, इसको मैं ज़्यादा इसको नहीं मसालेदार बनाना चाहती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल ये हमारा ब्रोकली रहे। कितना बढ़िया लग रहे हैं दोस्तों, तकरीबन 5 मिनट तक भून लेते हैं। हमारा सब्जियों को भूनते हुए 5 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें जो हमारा बेसन भुना हुआ था ना, उसको हम डालते हैं, सबको मिला लेते हैं। भुना हुआ बेसन, हमारे मसाले, कितना बढ़िया, ये सारे हमारे मिल गए हैं। अब इसमें जो हमारा पानी ब्रोकली वाला था उसी को सब्जी में डालते हैं, चला लेंगे, मिला लेंगे, ढक देते हैं तक हमारा ये पक रहा है। आज को हम बिल्कुल मीडियम ही रखेंगे। तो 8 से 10 मिनट हो गया है हमारे ब्रोकली की सब्जी को पकते हुए। अब मैं गैस को बंद करती हूँ। इसमें ये देख रहे ना कितना बढ़िया, ये कितना बढ़िया लग रहा है, नहीं बिल्कुल शुद्ध, ना ज़्यादा ऑयली, ना ही ज़्यादा स्पाइसी, और ना ज़्यादा इसमें मसालेदार है, बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल, बढ़िया, इतना बढ़िया, बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी सब्जी है। अब इसके ऊपर हम थोड़े गरम मसाला, वो भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पत्ता मैं डाल देती हूँ। अब हम सबको मिला लेते हैं। अब चलिए, हम देख रहे ना कितना बढ़िया हमारा सब्जी हुआ है, कितना आसानी से, कितना बढ़िया और कितना हेल्दी। दोस्तों कैसा लगा हमारा ये आलू ब्रोकली और मटर की सब्जी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो और अच्छा लगेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।